इससे आपकी स्किन पर भी बहुत ज्यादा पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बनी रहती है और उनके स्पॉट्स हैं कि जाने का नाम तक नहीं लेती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी गाइडर। फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। इसी तरह से मेरा हौसला बनाए। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूं दो प्रोडक्ट का, जिसमें से पहला है प्लम 10% नियासिनामाइड विद राइस वाटर एंड फर्मेट राइस क्लियरिटी बूस्ट सीरम। प्लम 2% नियासिनामाइड विद राइस वाटर क्लियर मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम का। दोनों ही प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक है, एकदम वीगन है, क्रूल्टी फ्री है। इनके अंदर किसी भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया गया है और ना ही कोई एनिमल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। इसकी प्राइस पर बात कर ली जाए तो ये जो सीरम है ये आता है 649 रुपीज का 30 ml की क्वांटिटी के साथ, और ये जो क्रीम है ये आती है 525 रुपीज की विद 50 ml क्वांटिटी। दोनों ही प्रोडक्ट हमारी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, डार्क स्पॉट को फेड करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं और सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, हमारे पोर्स को भी मिनिमाइज करते हैं। पहले बात कर लेते हैं सीरम के बारे में। ये जो सीरम है ये कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आता है और बॉक्स में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर से एक ग्लास की बॉटल निकलती है और ये ड्रॉपर के साथ आती है। इसके टेक्सचर की बात कर ली जाए तो ये मिल्की टेक्सचर के साथ आता है, क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है। और अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात कर ली जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसके अंदर यूज किया गया है 10% नियासिनामाइड, जो कि हमारी स्किन के डार्क स्पॉट को फेड करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है और हमारी स्किन के बैरियर को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, जो कि हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट देता है। इसके अंदर ल्यूकोराइस का भी यूज किया गया है, जो कि हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जिसकी लिस्ट मैं साइड में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। बात कर लेते हैं इस क्रीम के बारे में। ये जो क्रीम है ये भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है और बॉक्स में इसके बारे में भी सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर ग्लास का कंटेनर निकलता है जिसके अंदर है हमारी क्रीम। ये सुपर लाइट जेल क्रीम है, ऑयल फ्री है एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और ये क्विक एब्जॉर्बिंग क्रीम है। अब इसके की इंग्रेडिएंट पर बात कर ली जाए, इसके अंदर यूज किया गया है 2% नियासिनामाइड, जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, हमारे डार्क स्पॉट को फेड करेगा। राइस वाटर एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा। इसके अलावा इसके अंदर दिया गया है मैट मरीन कंट्रोल एंड रेगुलेट सीबम प्रोडक्शन, कैक्टस हाइड्रेट अवर स्किन। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है। सबसे पहले हमें अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सीरम। सीरम को अप्लाई करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दो, स्किन के अंदर उसको अच्छे से पेनिट्रेट होने दीजिए और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा मॉइस्चराइजिंग जेल क्रीम। इस क्रीम को लगा देना है फ्रेंड्स। इन दोनों प्रोडक्ट को हम एएम एंड पीएम दोनों समय ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, 15 डेज से मैं दोनों प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ओवरऑल ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफी सही लगे। जब से मैं इनको यूज कर रही हूँ मेरी स्किन ग्लो करने लगी है, मेरी स्किन एक पर एक चमक सी आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।